इसके बारे में आप स्लाइड से रीड कर सकते हो, ठीक है। सेम वर्किंग जो मैंने अभी आपको बताई उसी को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कि जब आपकी मेमोरी में कैसे काम होगा, मेमोरी में कैसे ट्रांसफर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट रिकवरी मेथड इज आवर शेडो पेजिंग। शेडो पेजिंग देखिए, शेडो पेजिंग कैसे काम करती है, सेम एज टीच। जब आपने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पेजिंग कंसेप्ट पढ़ा, पेजिंग कंसेप्ट में हमारे पास क्या होती थी, पेज टेबल होती थी। हमारे पास पेज टेबल होती थी, उस पेज टेबल के अंदर हमारे उस पार्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड, उस पार्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड डाटा स्टोर होता था। सेम एज टीच यहाँ पे काम होता है आपकी शेडो पेजिंग में। हम यहाँ पे दो टेबल मेंटेन करते हैं, एक टेबल होती है करंट पेज टेबल जिसके अंदर आपका करंट जो प्रोसेस है उसको सेव किया जाता है, और एक और पेज टेबल होती है जिसको हम बोलते हैं शेडो पेज टेबल, जो बिल्कुल सेम एज टीच आपकी करंट पेज टेबल की तरह होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो करंट पेज टेबल है आपकी वो टेबल आपकी वोलेटाइल स्टोरेज पे होती है, और जो स्टोरेज पेज शेडो पेज टेबल होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पे होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं शेडो पेजिंग की। इन दिस टेक्निक द डाटाबेस इज कंसिडर टू बी मेड अप ऑफ फिक्स साइज डिस्क ब्लॉक्स और पेज। आपके डाटाबेस को हम पेज में और डिस्क ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। इट इज ऑल्टरनेटिव ऑफ लॉग बेस रिकवरी, यूजफुल फॉर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट सीरियली। जब आप सीरियल में ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे आपका काम आता है। यहाँ पे आपकी, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, पेज में डिवाइड कर रहे हैं तो उन पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में लोड करेंगे, तो उसको हम पेज टेबल्स की फॉर्म में लोड करेंगे, ठीक है। दो पेज टेबल होंगी हमारे पास, वन इज करंट पेज टेबल, सेकेंड इज शेडो पेज टेबल। शेडो पेज टेबल आपकी, शेडो पेज टेबल आपकी स्टोर होती है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पे। इसको इसलिए स्टोर किया जाता है सच दैट स्टेट ऑफ द डाटाबेस बिफोर द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन मे बी रिकवर्ड, कि आपके ट्रांजेक्शन ने यदि कमिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है तो शेडो पेज टेबल से हम आपके उस डाटाबेस की रिकवरी कर सके, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पे स्टोर किया जाता है। ओके, ये आपको रिकवरी मेथड्स प्रोवाइड करती है, मींस आपकी एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। नेक्स्ट इच, जब भी आप शेडो पेज टेबल के साथ काम करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि दोनों पेज टेबल आपकी सेम होती हैं, बोथ पेज टेबल्स आर आइडेंटिकल, आपकी करंट पेज जो टेबल है, करंट पेज टेबल है उसके अंदर आपके डाटा आइटम पे जो करंट में काम हो रहा है ड्यूरिंग एजुकेशन, जो आपका डाटा आइटम में चेंज हो रहे हैं वो सेव होते हैं, और सेम एज टीच वो डाटा आइटम आपकी शेडो पेज टेबल में भी सेव हो रहे होते हैं, ठीक है। जब आपकी कोई भी पेज टेबल, कोई भी पेज वो फर्स्ट टाइम आपका राइट किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, देखिए फर्स्ट टाइम कोई भी पेज जब आप राइट करते हो तो ए कॉपी ऑफ दिस पेज इज मेड ऑन टू एन अनयूज्ड पेज, उसकी एक कॉपी आप अनयूज्ड पेज के ऊपर डालेंगे, और करंट पेज टेबल जो है, करंट पेज टेबल इज देन मेड टू पॉइंट टू द कॉपी, पॉइंट टू द कॉपी। आपकी जो करंट पेज टेबल है वो पेज टेबल जिस भी फ्री पेज के अंदर, अनयूज्ड पेज के अंदर उस पेज को डाला गया है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह आपकी पेज टेबल है, यह आपकी पेज टेबल है, यह आपकी पेज टेबल है, सॉरी फॉर एग्जाम्पल ये आपका फ्री पेज है, ये आपका फ्री पेज है, और आपको इस पर कोई भी पेज अप्लाई करना है, आपको इस पर कोई भी पेज अप्लाई करना है या कॉपी करना है। ए कॉपी ऑफ दिस पेज इज मेड टू एन अनयूज्ड पेज, फर्स्ट टाइम जब आप राइट कर रहे हो, रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको हम अनयूज्ड पेज पे डालेंगे, एंड द करंट पेज टेबल इज देन मेड टू पॉइंट टू दिस पेज। और जो पेज टेबल है ना, करंट पेज टेबल, ये पेज टेबल, ये पेज टेबल, ये पेज टेबल अब इस पार्टिकुलर पेज को पॉइंट करेगी, आपके डिस्क पे इस पार्टिकुलर पॉइंट को पेज करे पेज को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, पॉइंट आउट करेगा, एंड द अपडेट इज परफॉर्म्ड ऑन द कॉपी। और जब भी आप कोई भी अपडेट करेंगे तो वो अपडेट आपका इस पार्टिकुलर कॉपी पे परफॉर्म किया जाएगा, इस पार्टिकुलर
पेज पे परफॉर्म किया जाएगा. इट इज सेम एज इट इज वर्किंग एज यूर पेजिंग कंसेप्ट इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. बट ये फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, यहाँ डाटाबेस में हम रीड कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट टाइम पे. यही प्रोसीजर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अप्लाई होता है. ओके, शैडो पेजिंग का काम कहाँ पे है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में. शैडो पेजिंग अभी मैंने आपको बताया दैट इज करंट पेज टेबल कैसे काम कर रही थी. हमने फ्री पेज को चूज किया. कुछ लाइंस मिस हैं इस पे, यहाँ पे कुछ लाइंस मिस हो गई हैं डायग्राम की, शायद पीपीटी के कारण चेंज हो गया है. ओके, ये आपकी पेज है. आपकी फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, करंट जो काम हो रहा है वो इस करंट पेज टेबल में हो रहा है, और इसी पेज की एक शेडो और इस पेज की एक शेडो आप यहाँ पे भी सेव कर रहे हो, यहाँ पे भी सेव कर रहे हो. आप पेज नंबर 4 पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 4 में कोई भी आपने यहाँ पे चेंज किया, वो सेम एज इट इज चेंज आपकी शेडो पेज टेबल के अंदर भी सेव हो जाता है. ठीक है, दिस इज शेडो पेज टेबल. अब यहाँ देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटिंग, आपका ट्रांजेक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है, करंट पेज टेबल इज कॉपीड इनटू ए शेडो पेज टेबल, उसको हम कॉपी करेंगे एंड शेडो पेज टेबल को हम शो कर सेव करेंगे, और शेडो पेज टेबल आपकी आपके एग्जीक्यूशन के दौरान मॉडिफाई नहीं की जाती है बिकॉज इट इज द कॉपी ऑफ योर करंट पेज टेबल. जो भी काम होगा वो आपकी करंट पेज टेबल पे होगा और उसको हम जस्ट कॉपी करते रहेंगे. और जब कोई फेलियर अक्कर हो जाता है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, एग्जीक्यूशन इज अवेलेबल थ्रू द पेज टेबल. सो यहां पे ध्यान दीजिएगा, शैडो पेज टेबल, शैडो पेज टेबल, एग्जीक्यूशन इज अवेलेबल थ्रू द शैडो पेज टेबल. यहां पे हम करंट पेज टेबल को यूज नहीं करेंगे और शैडो पेज टेबल ही आपकी अभी करंट पेज टेबल बन जाएगी जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो. मीन्स देखिएगा, रिकवरी के दौरान आपका जो रिकवरी होगी वो रिकवरी हम आपकी शैडो पेज टेबल से करते हैं, शैडो पेज टेबल से करते हैं. ओके, नेक्स्ट, जब भी कोई ट्रांजेक्शन कमिट करता है, टू कमिट ए ट्रांजेक्शन, आपकी जितने भी मॉडिफाइड पेज हैं उनको मेन मेमोरी से डिस्क पे डाला जाता है. ठीक है, ये आपकी कमिट से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने बीच बीच में डाली हुई हैं. ये इसलिए डाली हुई है कि आप स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है. जैसे यहीं पे इसी डायग्राम की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो चीज़ है ये तो आपकी लिखी जा रही है आपके डिस्क पे और ये काम हो रहा है ये मेन मेमोरी में हो रहा है. ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जब हम कमिट ऑपरेशन करेंगे तो कैसे ट्रांसफ़र होगा, उन सबको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, तो आपके जितने भी मॉडिफाइड पेज हैं उनको हम मेन मेमोरी से डिस्क में स्टोर करते हैं, और करंट पेज टेबल है फिर उसको भी हम डिस्क में स्टोर कर देते हैं. ओके, एंड द मेक द करंट पेज टेबल द न्यू शैडो पेज टेबल, और करंट जो पेज टेबल है उसको नई शैडो पेज टेबल बना देंगे. उसके लिए क्या करेंगे कि आपकी शैडो जो पेज टेबल है उसको हम एक फिक्स लोकेशन के ऊपर स्टोर करेंगे. इसको फिक्स लोकेशन पे इसलिए स्टोर किया जाएगा कि जब हमारे पास रिकवरी हमें करनी होगी तो हमें पहले से हमारी डिस्क में शैडो पेज टेबल कहाँ स्टोर है उसके बारे में पता हो. ठीक है, हमें हमारी डिस्क में ये सर्च नहीं करना पड़े कि हमारे इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए शैडो पेज टेबल कहाँ पे है. ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट पार्ट. जब आपका पॉइंटर शैडो पेज टेबल, जब आपको शैडो पेज टेबल मिल जाएगी और ट्रांजेक्शन कमिट कर देगा तो आपकी कोई भी रिकवरी की ज़रूरत नहीं है. कब ज़रूरत है, न्यू ट्रांजेक्शन कैन स्टार्ट राइट अवे. ओके, आपकी कब ज़रूरत होगी, जब आपकी शैडो पेज टेबल आपके उस पार्टिकुलर पेज टेबल और उस पार्टिकुलर डाटाबेस के किसी पेज को पॉइंट आउट नहीं कर रही है. मीन्स आपका फेलियर अक्कर हो गया है, उस टाइम पे आप शैडो पेज टेबल को एज अ करंट पेज टेबल यूज़ करोगे और आप एक एक ट्रांजेक्शन के को चेक करके, एक एक ऑपरेशन को चेक करके आपके डाटा को फिर से
रिकवर करोगे। ठीक है, शैडो पेज टेबल की एडवांटेज क्या है? सबसे पहली एडवांटेज कि यहाँ आपका कोई भी रीडू या अंडू ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता है, हम आपकी पेज टेबल को देख के रिकवरी करते हैं और ये रिकवरी आपकी ट्रिवियल है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि आपके डाटा को हमें ब्लॉक्स में या पेज में फ्रेगमेंट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन की ज़रूरत होती है कि आपके उस पार्टिकुलर पेज टेबल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखना है, आपकी स्टोरेज पेज शैडो पेज टेबल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखना है। सेकेंड थिंग, कॉपी द एंटायर पेज टेबल इज ऑल्सो इन एक्सपेंसिव, ऑल्सो एक्सपेंसिव। आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी पेज टेबल, करंट पेज टेबल है जो वो 4GB की है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, तो इसको जब आप शेडो पेज टेबल में कॉपी करेंगे तो दिस पार्ट इज एक्सपेंसिव इन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ओके, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि एक्सपेंसिव कैसे होता है, आपकी शेडो पेज टेबल को बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है जब आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन इस काम को हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बी प्लस ट्री, विद द हेल्प ऑफ बी प्लस ट्री। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द मेन एल्गोरिथम फॉर रिकवरी, ARIES। इसका नाम कैसे रखा गया? ARIES, ए फॉर एल्गोरिथम्स फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन एक्सप्लोइटिंग सेमेंटिक्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ARIES, एल्गोरिथम फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन एक्सप्लोइटिंग सेमेंटिक्स। ठीक है, रिकवरी आपको करनी है आइसोलेशन को, रिकवरी एंड आइसोलेशन। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, कुछ ऐसे फेजेस के दौरान काम करना है जिनके द्वारा आपकी रिकवरी है वो पॉसिबल हो। ठीक है, सेकंड थिंग, अब ये सबसे इसको रिकवरी मेथड अच्छा इसलिए माना जाता है कि इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं वो आपके काम को, आपकी जो अदर एक्स्ट्रा वर्क्स हैं उनको मिनिमाइज कर देता है और आपकी रिकवरी की स्पीड को है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सेकंड थिंग, अब एराइज के अंदर सबसे पहली चीज, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, आपके जितने भी लॉग होंगे उन सभी लॉग्स के लिए एक लॉग सीक्वेंस नंबर होगा, यहाँ पे आपका फिजियोलॉजिकल रीडू ऑपरेशन होगा, एक डर्टी पेज टेबल होगी टू अवॉइड अननेसेसरी रीडूज। ठीक है, रिकवरी के दौरान आपको हर बार रीडू नहीं करना पड़े, उसके लिए हम मेंटेन करते हैं एक डर्टी पेज टेबल, और कुछ होते हैं चेक पॉइंट्स, जिन चेक पॉइंट्स को हम चेक करके आपकी डर्टी पेज टेबल से इंफॉर्मेशन निकाल के जब हम उनको आपके रिकवर करेंगे, आपके डाटाबेस को रिकवर करेंगे। चलिए इनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रीडू, फिजियोलॉजिकल जो रीडू है आपका, ये सबसे पहले आपके उस अफेक्टेड पेज को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अफेक्टेड पेज को आइडेंटिफाई करता है, उस अफेक्टेड पेज को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर हम अप्लाई करते हैं आपका रीडू ऑपरेशन, रीडू ऑपरेशन। ओके, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल रीडू। मेन क्या है कि आपके लॉगिंग ओवरहेड्स को कम कर देता है, सेकंड आपके जितने भी पेज हैं उनको डिस्क पे ऑटोमेटिकली डालता रहता है, मींस यहाँ पे आपका हार्डवेयर का यूज़ होगा, हार्डवेयर का यूज़ होगा। सेकंड थिंग, आपका लॉग सीक्वेंस नंबर फॉर ईच लॉग रिकॉर्ड, फॉर ईच लॉग रिकॉर्ड। आपको मैंने पहले भी बताया कि आप जैसे एक नया लॉग आएगा उसको एक नया नंबर मिलता रहेगा, तो इसके कारण आपका लॉग सीक्वेंस नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है सीक्वेंशली। नेक्स्ट है हमारे पास पेज एलेसन, आपका जितने भी पेज होंगे, जितने भी आपके पेज होंगे, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ईच पेज कंटेन ए पेज लॉग सीक्वेंस नंबर विच इज द लॉग सीक्वेंस नंबर ऑफ लास्ट लॉग रिकॉर्ड्स हुज इफेक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द पेज, हुज इफेक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द पेज। पेज एलएसएन पे वो लॉग सीक्वेंस नंबर होगा, उस लास्ट लॉग का सीक्वेंस नंबर होगा
जिसके अफेक्ट आपके पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिस जो आपके पेज पे काम है उसके लिए आपके लॉग में एंट्री है, ठीक है। इसका हम डिफरेंट टाइप काम के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट वर्क्स के लिए, अपडेट करने के लिए पेज को, आपके पेज को फ्लश करने के लिए डिस्क पे, और रिकवरी के अंदर आपके रीडू ऑपरेशन को रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट, अब बात आती है लॉग रिकॉर्ड की। लॉग रिकॉर्ड में जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि आपका किसी भी ट्रांजेक्शन में जो लॉग रिकॉर्ड होगा, ईच लॉग रिकॉर्ड कंटेन लॉग सीक्वेंस नंबर ऑफ प्रीवियस लॉग रिकॉर्ड ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, प्रीवियस लॉग रिकॉर्ड ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ये किस लिए रखा जाता है? ये तो आपका लॉग सीक्वेंस नंबर है, ठीक है, इस पार्टिकुलर लॉग का, जिसके लिए काम कर, जिस ट्रांजेक्शन के लिए काम कर रहा है। प्रीवियस लॉग सीक्वेंस नंबर कि इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे जिस भी जो भी काम किया था उसकी लास्ट लॉग कौन था, उसके लिए लास्ट लॉग रिकॉर्ड कौन था, उसको भी हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं, ताकि जब हम रिकवरी ऑपरेशन, रिकवरी एल्गोरिथम को अप्लाई करें रिकवर करने के लिए, तो हमें सभी लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही पता हो। वी हैव प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिलेटेड लॉग्स टू दैट ट्रांजेक्शन। सेकेंड, रीडू ऑपरेशन आपने किया है या अंडू ऑपरेशन आपने किया है उसके बारे में, ठीक है। अब जिन रिकॉर्ड्स पे आपने रीडू ऑपरेशन किया है, स्पेशल रीडू ओनली रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड कंपनसेशन लॉग रिकॉर्ड्स, कंपनसेशन लॉग रिकॉर्ड्स, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कई बार जब हम रिकवरी करते हैं तो हमें एक और फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है अंडू नेक्स्ट लॉग सीक्वेंस नंबर। ये किस लिए लिया जाता है? जब आप अंडू कर रहे हो रिकॉर्ड्स इन बिटवीन वुड हैव ऑलरेडी बीन अनडन, तो आपको पता चलता रहे कि इसके बाद मेरा नेक्स्ट लॉग सीक्वेंस कौन होगा जिसको मैंने अंडू करना है, या आप जिस पे ऑलरेडी कर चुके हो उसके बारे में, ठीक है। इसलिए किया जाता है कि आप अननेसेसरी जो अंडू है उनको यहाँ पे परफॉर्म ना करें, अननेसेसरी रीडू ऑपरेशन उनको परफॉर्म ना करें। चलिए, नेक्स्ट इज डर्टी पेज टेबल। डर्टी पेज टेबल में आपके पास ये पेज बफर होता है पेज का, जो अपडेटेड होता रहता है। इसके अंदर आपकी दो एंट्रीज होती हैं, ये आपकी सिंपल एक टेबल होती है, इस टाइप से एक टेबल होती है, जिसके अंदर आपका पेज लॉग सीक्वेंस नंबर होता है, एंड रिकवर लॉग सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है, लॉग रिकॉर्ड जिस पे आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट इच, ये आपका फर्स्ट वन, ये आपका डाटाबेस है। इस डाटाबेस में इस पार्टिकुलर पेज पे आप काम कर रहे हो, ये आपके पेज हैं। लॉग बफर, इसमें आपकी डर्टी पेज टेबल है। डर्टी पेज टेबल रिप्रेजेंट कर रही है कि पेज नंबर 4894 में पेज लॉग सीक्वेंस नंबर, ये आपका लॉग सीक्वेंस नंबर 7567 है, और रिकवरी लॉग सीक्वेंस नंबर जिसको आपने रिकवर कर। सेकेंड, 7200 पेज टेबल पे सेम लॉग को आपने फिर से रिकवर किया, ठीक है। नेक्स्ट इच, ये आपका लॉग बफर। लॉग बफर में आपकी एंट्री डलती रहती है, कि हम ट्रांजेक्शन 145 के लिए इस ट्रांजेक्शन इस पार्टिकुलर डाटा आइटम पे हमने काम किया है, ये उसकी ओल्ड वैल्यू है, ये उसकी न्यू वैल्यू है, ठीक है। अब ये स्टेबल डाटा आपकी डिस्क में आप इसको कैसे सेव करते हो, ये आपको शो किया गया है नीचे के इन दोनों डायग्राम्स में। नेक्स्ट, अब हमने बात की थी चेक पॉइंट्स की। चेक पॉइंट लॉग रिकॉर्ड है, उसके अंदर आपका क्या होगा, आपकी डर्टी पेज टेबल होगी और आपके जितने भी एक्टिव ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जितने भी एक्टिव ट्रांजेक्शन हैं उन सभी के लॉग सीक्वेंस नंबर होंगे, ठीक है। ये चेक पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। डर्टी पेज टेबल आर नॉट रिटन आउट ऑफ द चेक आउट एट द चेक पॉइंट टाइम। चेक पॉइंट टाइम पे काम कर रहे हो उस टाइम पे डर्टी पेज टेबल आपकी होगी प्रेजेंट।
सेकेंड थिंग, आपकी लॉग ओवरहेड को कम कर देता है ये, क्योंकि हर काम को आपका इमीडिएटली जैसे ही चेक किया लॉग डर्टी पे स्टेबल में एंट्री है इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, जिस जब फेलियर हुआ तो ये एक्टिव था और इसके लिए डर्टी पे स्टेबल में एंट्री है, तो ये उसको तुरंत आपका रिकवर करने में हेल्प करता है। देखिए ये एग्जाम्पल है आपका, ये है आपका लॉग बफर, दिस इज योर लॉग बफर, दिस इज योर ट्रांजेक्शन टेबल्स, जो ट्रांजेक्शन्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और ये है आपकी उन पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के लिए डर्टी पेज टेबल। ये आपका लॉग बफर का फॉर्मेट है, प्रीवियस लॉग सीक्वेंस नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, टाइप, टाइप ऑफ लॉग, पेज आईडी क्या है उसके लिए, उसकी लेंथ कितनी है, उसके अंदर ऑफसेट क्या अप्लाई किया, बिफोर ट्रांजेक्शन क्या था, दिस इज अंडू एंड दिस इज रीडू, अंडू इन्फो एंड रीडू इन्फो, इस टाइप से आपका रिप्रेजेंट होता है आपका लॉग बफर और आपकी ट्रांजेक्शन टेबल एंड योर एंड योर डर्टी पेज टेबल। अब ये देखना यहाँ पे एक चीज़, ये जो एरो जो डिनोट किए गए इनको ध्यान से देखिए, देखिए ये कह रहा है कि फर्स्ट रिकॉर्ड को ट्रांजेक्शन 1000 पे आपने पेज नंबर 500 पे काम किया, ठीक है, पेज नंबर 500 पे काम किया। अब मैंने आपको बताया था डर्टी पेज टेबल में आपके पार्टिकुलर पेज आईडी एंड रिकवरी लॉग एसन होता है, कि पेज 500 को आपने पेज 500 पे आपने क्या करना है, रिकवरी करनी है, ये शो कर रहा है, ठीक है। पेज 600 एंड पेज 505 सभी पेज की एंट्री है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से देखना, ये पेज नंबर 500 फिर से किया गया है किसके लिए, लॉग नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 2000 के लिए, लेकिन यहाँ तो पेज की एंट्री एक बार है, मीन्स अब ये क्या हो गया है, आपका अपडेट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। इसके करस्पोंडिंग ट्रांजेक्शन टेबल में चेक कीजिए, ट्रांजेक्शन 1000, ट्रांजेक्शन 1000 पहले काम कर रहा था पेज नंबर 500 पे, पेज नंबर 500 पे, ठीक है, इस पेज नंबर 500 पे, ठीक है, इसका लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर क्या था, इसका लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर आपके पेज नंबर 200 पे है, ठीक है। सेम एज डिच आपका T2000 एंट्री है यहां पे आपकी ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर, ट्रांजेक्शन नंबर 2000, इसका लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर क्या है, इसका लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर है कि आपके पेज नंबर 505 पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपका लॉग नंबर T1000 पहले काम कर रहा था, ठीक है। ये आपका ऐसे मेंटेन होता है पूरा का पूरा डाटाबेस। कैसे होगा इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे अभी आगे, ये देखिए लाइव एग्जांपल देखिए इसका, सभी लॉग रिकॉर्ड्स, ये आपके लॉग बफर है, ये आपकी ट्रांजेक्शन टेबल है, ये आपके पेज हैं, डाटाबेस बफर, ये आपका डाटाबेस बफर है, ये आपकी ट्रांजेक्शन टेबल है, ट्रांजेक्शन टेबल, ये आपकी डर्टी पेज टेबल है, सॉरी डर्टी पेज टेबल, ठीक है। अब आपने पहला, सबसे पहली एंट्री आप टेबल में चेक कीजिए, ट्रांजेक्शन टेबल में, ट्रांजेक्शन टेबल आईडी 1, टेबल आई सॉरी ट्रांजेक्शन आईडी 1, ओके, लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर इज आल्सो 1, सेकंड सॉरी ये गलत तो नहीं है, एक मिनट यार, सॉरी, ओके ओके, इसके ये प्रीवियस लॉग सीक्वेंस नंबर है, देखिए ये एंट्रीज ऐसे हैं, दिस इज प्रीवियस लॉग सीक्वेंस नंबर, दिस इज ट्रांजेक्शन आईडी, दिस इज टाइप ऑफ लॉग, दिस इज पेज आईडी, एंड दिस इज रीडू इन्फो, एंड दिस इज अनडू इन्फो। अब देखिए आपने ट्रांजेक्शन नंबर 1 पे काम किया, ट्रांजेक्शन नंबर 1 इसका प्रीवियस लॉग सीक्वेंस नंबर आपके पास प्रेजेंट नहीं है, कि इस पेज नंबर, इस ट्रांजेक्शन पे पहले कहाँ काम हुआ था, इसका प्रीवियस लॉग कौन है, आपने स्टार्टिंग अभी की इस ट्रांजेक्शन की, ठीक है, इस पे आपने परफॉर्म किया अपडेट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, और ये कौन से पेज में हुआ है, पेज नंबर 42 पे, पेज नंबर 42 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पेज नंबर 42 में
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ट्रांजेक्शन का लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर कोई नहीं है, हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, और हम काम कर रहे हैं वैल्यू ए पे और वैल्यू बी पे, वैल्यू ए पे और वैल्यू बी पे। यहाँ पे हमने रीडू इन्फो, रीडू कह रहा है कि आपने कोई रीडू इन्फो ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेकेंड, ये तो था फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, अब आपकी पेज नंबर टू, ट्रांजेक्शन टू को स्टार्ट किया सेम एज इट इज। अब ट्रांजेक्शन टू में आपने प्रीवियस, आपके पास प्रेजेंट नहीं है, टू पे काम कर रहे हो, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और पेज नंबर 42 में ही काम कर रहे हो, पेज नंबर 42 पे काम कर रहे हो, एंड लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर, लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर इज वन। ये कह रहा है कि इस पेज पे इससे पहले लॉग सीक्वेंस नंबर वन ने काम किया था, उसके अब अंदर हमने जो काम किया था ये उसका रेडो इन्फो है, ये उसका अंडो इन्फो है। अब टू जो लॉग आपने किया उसमें बी प्लस किया है, बी माइनस किया, ये आपकी रीडू एंड अंडू इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे चेक करो डर्टी पेज टेबल के अंदर, डर्टी पेज टेबल के अंदर आपने पेज आईडी 42 पे रिकवरी लॉग कि इससे पहले लॉग नंबर वन है उसको आप रिकवर करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट लॉग नंबर थ्री, लॉग नंबर थ्री परफॉर्म हुआ सेम एज टीच, प्रीवियस लॉग सीक्वेंस नंबर आपका, ट्रांजिशन आईडी आपका, अपडेट ऑपरेशन 42 में सी पे आपने काम किया, सॉरी यहाँ 46 आएगा, यहाँ पे 46 आएगा, 46 पेज पे आपने काम किया, और 46 के अंदर आपका डाटा सी है, सी है, आपने रीडू इन्फॉर्मेशन, आपकी अंडू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ देखो ट्रांजिशन थ्री, लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर थ्री, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं था, इसका कोई नहीं था। अब ये देखिए पेज नंबर 46 पे आपने जैसे ही काम किया, डर्टी पेज टेबल में आपकी एंट्री आ गई, और इसका लॉग नंबर कौन सा है, इसका लॉग नंबर, इसका लॉग नंबर है थ्री, इसका लॉग नंबर है थ्री, जिसको आपने रिकवर करना होता है। ये था आपका एग्जांपल कि कैसे लॉग आपकी अराइज एल्गोरिथम में लॉग हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब इन्हीं के आप रिकवरी जब अप्लाई करेंगे तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे सबसे पहले चीज, हम राइट अहेड लॉग सिस्टम को यूज़ करते हैं और आपके चेक पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट अहेड लॉग में आपके जो रिसेंट चेक पोस्ट चेक पॉइंट्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा, और अनडू नेक्स्ट लॉग सीक्वेंस नंबर को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉग रिकॉर्ड जो था उसको हम अनडू करेंगे। ट्रांजेक्शन टेबल में आपका हम जितने भी एक्टिव ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी डाटा को परफॉर्म सेव करेंगे, और लास्ट लॉग सीक्वेंस नंबर को, कि आपका लॉग सीक्वेंस नंबर क्या है जो मोस्ट रिसेंटली लॉग था आपके इस ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं अंडू के लिए, ठीक है। एंड डर्टी पेज टेबल, डर्टी पेज टेबल में आपके डर्टी पेज होंगे जिनको हमने डिस्क पे नहीं लिखा है, और यहाँ पे होगा रिकवरी सीक्वेंस लॉग सीक्वेंस नंबर, रिकवरी लॉग सीक्वेंस नंबर उस पार्टिकुलर पेज पे जिस भी पहले रिकॉर्ड ने काम किया है उससे रिलेटेड डाटा होगा, जो डर्टी है जिसको आपने ओवरकम किया है या कोई भी एरर अक्कर हुआ है जिसको आपने सेव नहीं किया है, और इसको हम यूज़ करते हैं रीडू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपकी जो अरेज एल्गोरिथम है ये तीन पासिस पे काम करती है, तीन फेजेस में काम करती है। फर्स्ट पेज इज एनालिसिस पेज, फर्स्ट वन इज एनालिसिस। एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ डाटा को यहाँ पे एनालाइज करना है, उसके बाद आपको इस पर काम करना है, ठीक है। अब एनालिसिस पेज में सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने भी डर्टी पेज हैं उन सबको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके बाद जितने एक्टिव ट्रांजेक्शन्स थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेलियर उन सबको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को हम अंडू करेंगे कि हमें एक्टिव में से कितने ट्रांजेक्शन्स को अंडू करना है, और उसके दौरान इन पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के कौन से पेज थे जो डर्टी पेज हैं जिनको मतलब क्रैश के टाइम पे वो प्रेजेंट थे, और फिर हम अप्लाई करेंगे आपका लॉग सीक्वेंस नंबर जिसके लिए हमने रीडू स्टार्ट करना है, ठीक है। अब एनालिसिस जो फेज है ना, ये आपको आपके रीडू पास के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीडू पास।
रीडू पास का काम होता है आपकी जितने भी एक्शंस हैं उन सबको रीडू करना है, ठीक है। अनडू पास, अनडू पास का काम होता है कि आपके जितने इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आपने ट्रांजेक्शन के कम्प्लीट होने से पहले अबॉर्ट कर दिया, जितने भी अनडन ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी को अनडू करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अप्लाई कैसे करते हैं, तीन पासिस आपके कैसे काम करते हैं, इसको यहाँ मैंने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है आपको। एनालिसिस अनडू, आपका एनालिसिस डिटरमाइन करेगा कि कहाँ से रीडू स्टार्ट करना है। देखिए आपका ये एक लॉग है, ये एक लॉग है, इस लॉग की हिस्ट्री हमने मेंटेन की, ये स्टार्टिंग ऑफ लॉग है, स्टार्टिंग ऑफ लॉग है और ये एंडिंग ऑफ लॉग है, ठीक है। आपका लास्ट चेक पॉइंट यहाँ पे था, तो जो लास्ट चेक पॉइंट था वहाँ से स्टार्ट होता है आपका एनालिसिस पेज। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे हमारे डर्टी पेज को और आपके एक्टिव ट्रांजेक्शन्स कौन कौन था, यहाँ पे एक्टिव ट्रांजेक्शन्स कौन कौन था। अब फिर हम अप्लाई करेंगे इस पर रीडू पास, रीडू पास हमें बताएगा कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। चेक पॉइंट्स जो है उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा लास्ट जो कंसिस्टेंट स्टेट था जहाँ पे हमारी फेलियर अक्कर होने के चांसेस थे वो कहाँ थे, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा रीडू पास, ठीक है। रीडू पास स्टार्टिंग से और एंड तक, और इसका अपोजिट हम अप्लाई करेंगे अनडू पास, फ्रॉम एंड ऑफ द लॉग से स्टार्टिंग ऑफ द लॉग तक, ओके। नेक्स्ट ये है कि कैसे आपके ट्रांजेक्शन्स पे आपका लॉग है उससे हम रिकवरी करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। उसके अंदर सबसे पहला एनालिसिस फेज, ये जो आपका काम होगा ना एनालिसिस फेज में, उसी को मैंने थ्योरी पार्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको ध्यान से एक बार समझना। सबसे पहले हम आपके ट्रांजेक्शन चेक पॉइंट कहाँ पे था उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डर्टी पेज टेबल को और ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा चेक पॉइंट स्टार्ट जहाँ से हो रहा था उसमें कौन कौन सा लॉग सीक्वेंस नंबर है, कहाँ कहाँ डर्टी पेज टेबल है, ठीक है। अब इफ़ वी सी एन एंड लॉग, आपने किसी भी ट्रांजेक्शन का एंड लॉग फाइंड आउट किया, तो अभी आप ट्रांजेक्शन टेबल से उस ट्रांजेक्शन को रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपका लॉग रिकॉर्ड जिसके लिए आपने काम किया ट्रांजेक्शन के लिए वो ट्रांजेक्शन टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको ट्रांजेक्शन टेबल में ऐड कीजिए। आपने चेक किया कि कोई ट्रांजेक्शन एंड ऑफ द लॉन्ग रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन के लिए और ट्रांजेक्शन को टेबल से हटा दिया है, लेकिन आपने चेक किया कि उस पार्टिकुलर लॉग रिकॉर्ड को, इफ वी सी ए लॉग रिकॉर्ड फॉर ए ट्रांजेक्शन नॉट इन ट्रांजेक्शन टेबल, कि आपका वो पार्टिकुलर लॉग रिकॉर्ड आपकी ट्रांजेक्शन टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको ऐड करना है और उसके अंदर जो लास्ट लॉग सीक्वेंस फील्ड है उसमें आपके उस लॉग सीक्वेंस नंबर को भी ऐड करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, फिर आपको चेक करने हैं आपके सी एल आर लॉग, कंपनसेशन लॉग रिकॉर्ड्स किसी पेज के लिए, ये होते हैं आपके पेज के लिए। यदि वो पेज आपका डर्टी पेज टेबल में ऐड नहीं है जिसके लिए आपने कंपनसेशन लॉग रिकॉर्ड चेक किया है, तो उस पेज टेबल को भी आपकी डर्टी पेज टेबल में ऐड कर दीजिए और रिकवरी लॉग सीक्वेंस नंबर में उस लॉग सीक्वेंस नंबर को डाल दीजिए, ठीक है। देखिए ये काम कैसे करता है, हम देखेंगे इसको एक एग्जाम्पल की वजह। ये है आपका एग्जाम्पल, ये आपका लॉग सीक्वेंस नंबर लॉग है, ये आपका लॉग है और ये है आपकी ट्रांजेक्शन टेबल और ये है आपकी डर्टी पेज टेबल। आफ्टर सिस्टम क्रैश, सिस्टम जैसे ही क्रैश होगा आपके पास दोनों की दोनों टेबल हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं। नो प्रीवियस चेक पॉइंटिंग, इनिशियलाइज टेबल टू एम्प्टी, स्टार्टिंग से काम करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लॉग सीक्वेंस नंबर है हमारे पास, ये लॉग सीक्वेंस नंबर है, ये आपके ट्रांजेक्शन है, हमने दो ट्रांजेक्शन यूज़ किए हैं 1000 एंड ट्रांजेक्शन 2000, ठीक है। दोनों ने काम किया,
आपके यहाँ पे जो पेज यूज़ हो रहे हैं, वन पेज इज 500 एंड सेकेंड पेज इज 600, दोनों ही ट्रांजेक्शन्स पे आपके ट्रांजेक्शन 1000 भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है, और ये ट्रांजेक्शन 1000 इस पेज पे भी काम कर रहा है और ये इस पेज पे भी काम कर रहा है, थर्ड पेज सॉरी 505 इस पे आपका ट्रांजेक्शन 1 यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, सॉरी। नेक्स्ट, अब स्टार्टिंग की हमने पहले लॉग से, स्कैन लॉग 00, स्कैन लॉग 00, इफ़ ट्रांजेक्शन टेबल में इसकी एंट्री प्रेजेंट नहीं थी, हमने लॉग को चेक किया, ट्रांजेक्शन टेबल में इसकी एंट्री प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि हमारी टेबल थी वो एमपीटी थी। यहाँ पे देखिए टेबल आपकी एमपीटी हैं दोनों, ठीक है, एमपीटी टेबल्स हैं, ये टेबल भी और ये टेबल भी। हमने 00 लॉग रिकॉर्ड को अपनी टेबल में डाला पहले, इसमें क्या डाला कि हमारा ये ट्रांजेक्शन आईडी है और इसके लिए ये लॉग रिकॉर्ड है। फिर हमने डर्टी पेज टेबल में किस पेज पे काम किया उस पेज की एंट्री डाली और उसके हमने किस लॉग रिकॉर्ड को रिकवर करना पड़ सकता है उसका नाम डाला, ठीक है, फर्स्ट के लिए। सेकंड, अब हम गए 10 पे, नेक्स्ट लॉग पे, 10 लॉग रिकॉर्ड वर्किंग ऑन ट्रांजेक्शन नंबर 2000, ट्रांजेक्शन नंबर 2000 में लास्ट लॉग कौन है, 10 है, क्योंकि इससे पहले ट्रांजेक्शन 2000 ने किसी भी लॉग पे काम, किसी भी पर्टिकुलर लॉग रिकॉर्ड इसका नहीं है। अब इसने काम किया पेज नंबर 600 पे, हमने पेज नंबर 600 के लिए एंट्री डाल दी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लॉग को चेक किया, अब इसमें देखना एक चीज देख आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपका 2000 यहाँ पे काम कर रहा है, सेम ट्रांजेक्शन, दो लॉग रिकॉर्ड्स है इसके, यहाँ पे लॉग रिकॉर्ड 10 था है, यहाँ पे लॉग रिकॉर्ड 20 है। नेक्स्ट एंट्री पे क्या होगा कि अगर आपका लॉग रिकॉर्ड, पॉइंट जो मैं पहले डिस्कस किया था, ऑलरेडी ट्रांजेक्शन टेबल में प्रेजेंट था, किसके लिए, टी 2010, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये पॉइंट जो हमने अभी बात की थी, इफ वी सी ए लॉग रिकॉर्ड फॉर ट्रांजेक्शन देन रिमूव दैट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टेबल, तो उसको ट्रांजेक्शन टेबल से रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट, तो यहां पे हमने क्या किया, ये जो नेक्स्ट जब हम 20 को रीड करेंगे, इस 20 को, तो ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट था तो इसको हम इस टेबल से रिमूव कर देंगे, इस टेबल से रिमूव कर देंगे 20 को, और अब इसको रिमूव किया तो 2000 के लिए कोई भी एंट्री नहीं थी, तो अब हम इस 2000 के लिए ये एंट्री आपकी ट्रांजेक्शन टेबल में डाल देंगे, ट्रांजेक्शन टेबल में डाल देंगे। और अब डर्टी पेज टेबल पे ध्यान दीजिएगा, अब ये काम कर रहा है पेज नंबर 500 पे, और पेज नंबर 500 पे ओनली ट्रांजेक्शन 1000 काम कर चुका है, तो यहाँ पे हमारी डर्टी टेबल में ऑलरेडी ट्रांजेक्शन 500 प्रेजेंट है, तो हम नई एंट्री 500 के लिए नहीं डाल रहे हैं, रिकवरी किसको कर रहे हैं, हम लॉग नंबर 500 को, इससे पहले जो लॉग था उसको हम रिकवर करेंगे। सेकंड थिंग, अब 30 के लिए आपने काम किया, 30 के लिए आप जब काम कर रहे हो इसके लिए, तो इससे पहले आपका ट्रांजेक्शन 1000 रिकॉर्ड प्रेजेंट था, इफ ए लॉग रिकॉर्ड इज प्रेजेंट रिमूव इट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टेबल एंड देन एड द न्यू रिकॉर्ड। अब 30 के लिए लास्ट रिकॉर्ड कौन है, 30 है। देखिए ट्रांजेक्शन टेबल में आपके क्या है, सारे एक्टिव ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स एक्टिव हैं, तो 1000 जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए लॉग सीक्वेंस एक्टिव कौन है, 30। अब इसने नई पेज पे काम किया 500 पे, तो इसके लिए यहाँ पे 500 नई एंट्री गई है आपकी, तो ऐसे काम करता है आपका। अब नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, 40 को रीड किया और 40 कह रहा है कि मैंने कमिट ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, कमिट ऑपरेशन को परफॉर्म किया, तो अब हम क्या करेंगे, आपके टी 2000 के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड प्रेजेंट था उसको हमने रिमूव कर दिया क्योंकि हमने परफॉर्म कर दिया है यहाँ पे कौन सा, कमिट ऑपरेशन। कमिट ऑपरेशन कह रहा है कि टी 2000 को आप स्टोर कर दीजिए। अब स्टार्टिंग होगी आपकी रिकवरी, देन रीडू पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम 00, P 500 इज द अर्लीस्ट लॉग पेज,
may not have been returned to the disk. तो इसको हम करेंगे आपका recover. Next, we have restored transaction table and dirty page table. अभी हमारे पास page table दोनों present हैं, इसलिए हम इनमें काम करेंगे, इनको दोबारा से restore करेंगे. तो ये था आपका analysis page. अब last में आप check कीजिए analysis page ने आपको क्या क्या provide किया. Analysis phase ने आपको यहाँ पे page table में ये सारे के सारे dirty page provide किए. Second, scan forward the redo point. 00 से आगे काम करना है आपको और update करना है आपके log records को, उनके log sequence number को, one after the other. यदि आपका affected page जो इस log में present है वो dirty page table में present नहीं है तो उसको redo करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर वो dirty page table में present है तो आपको उसका recovery log sequence number check करना है. यदि उसका recovery log sequence number आपके current log sequence number से ज़्यादा है तो आपका वो page number क्या है, oldest log record है, वो page number आपका present है, उसको आपने recover करना है. ठीक है, उसको आपको redo करना है. अब चलिए check करते हैं. आपने 00 से start किया, P500 is the dirty page table. ठीक है, 00 recovery log sequence number and log sequence number. Second point, ये ध्यान दीजिएगा, ये greater than है, नहीं greater than नहीं है, ये तो equal to है. तो page log sequence number -10, आपका next जो record है वो कौन है, ये है जो next, ये वाला, आपको इन दोनों में comparison करना है. ठीक है, page log sequence number 10 है, यहाँ पे 00, तो आप अब कर देंगे redo कर देंगे आप इसको. हम रीडू करेंगे 00 को और नेक्स्ट हम स्कैन करेंगे किसको, 10 को स्कैन करेंगे. इसके बाद हमने 10 को स्कैन किया. जैसे ही 10 को स्कैन किया हमें ये मिला यहाँ पे ऑलरेडी कि ये 600 तो हमारा ऑलरेडी डिस्क पे स्टोर था. देखिए यहाँ पे अज्यूम दैट हमने P600 को पहले ही डिस्क पे मान के चल रहे हैं तो ये डर्टी पेस्टेबल में नहीं होना चाहिए. तो ये आप ऑलरेडी आपकी डिस्क पे था लेकिन ये डर्टी पेज टेबल में इसकी एंट्री थी तो हम इसको रीडू नहीं करेंगे, नॉट रीडू. आफ्टर दैट फिर आपका इसके बाद स्टार्ट होगा अंडू फेज. अंडू फेज कह रहा है कि आपको बैकवर्ड से स्टार्टिंग करनी है, बैकवर्ड इन टाइम फ्रॉम एंड ऑफ द लॉग. ओके, आपको सारे एक्शंस अंडू करने हैं एक्टिव ट्रांजेक्शन्स के लिए जिनको कमिट नहीं किया है और उसके बाद आपको आपके इसको रिपीट करते रहना है, इसको रिपीट करते रहना है. रिपीटली आप चूज करेंगे आपके उन रिकॉर्ड्स को जिनका लॉग सीक्वेंस नंबर है वो लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू आपके प्रेजेंट लॉग सीक्वेंस नंबर के. देखिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग की Only transaction T1000 जिसको आपने commit नहीं किया है. Transaction table को देखिए, आपका ये active है, इसको आपने अभी तक commit नहीं किया है तो हम यहाँ पे undo पे set कर देंगे इस particular transaction को, इस particular record को. ये कह रहा है कि T1000 के 30th log को आपने undo करना है. Second, अब इसके बाद for example आपका ये record है 50, Only is T1000 undoing 30, तो नया जो log record होगा, नया log record, write CLR, update कर देना उसको record log को. अब हमने इसको update करके क्या किया यहाँ पे कि 00 को हम recover करेंगे. क्यों recover करेंगे 00 को, because इस 30 log record से पहले जिसको हम recover कर रहे हैं, undo कर रहे हैं, उससे पहले हमारा 00 भी इस particular transaction T1000 के लिए एक लॉग था यहाँ पे, लॉग था यहाँ पे, इसलिए हम इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को अंडू करेंगे और हमारे जहाँ भी हमने काम किया है उसके लिए एक नया अंडू नेक्स्ट लॉग सीक्वेंस नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं. ठीक है, दिस इज अंडू नेक्स्ट लॉग सीक्वेंस नंबर. ठीक है, और ये पेज नंबर जो आपने 30 पे लॉग नंबर था ये आपका पेज 1505 पे काम कर रहा था, इसकी सेम आईडी रहेगी. ये आपका 00 लॉग जो था
ये पेज नंबर 500 पे काम कर रहा था, तो इसका सेम पेज रहेगा यहाँ पे। तो ऐसे काम करता है आपका अंडू फेज। ओके, अब आपका फॉर एग्जांपल जो हमने अभी तक लिखा उस सबको देखिए, इसको मैंने प्रेजेंट किया है आपको कि अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं 50-60। ओ सॉरी, ये डायग्राम अलग है इसका। ओके, आफ्टर T1 अबाउट अंडू एक्शंस फ्रॉम T1 लॉग सीक्वेंस नंबर 10। ओके, चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये आपके पेज नंबर्स डाल दिए गए हैं, राइट, पेज नंबर 5। यहाँ पे हमने पेज नंबर्स को यूज कर लिया है। हमने आपके यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन्स T2 एंड T3 इनको ऐड किया है। देखिए, आफ्टर T1 अबॉल्ट अंडू एक्शंस फ्रॉम T1, अंडू एक्शन हमने T1 पे अप्लाई किया, आपने देखा T1000 पे हमने अप्लाई किया था, ठीक है। अब हमने वहाँ पे क्या किया, अपडेट किया, सॉरी इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपका बहुत ही एडवांस लेवल का है, मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो पार्ट है आपका, ये नेट पार्ट से रिलेटेड नहीं है, इसमें आपके PhD जो एग्ज़ाम देते हो आप, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा। इसकी PPT मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, आप इसको स्टडी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो आपकी डाटाबेस की। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी डाला है, ये जो डायग्राम है इसको आप स्टडी कर सकते हो, और कुछ अदर पॉइंट्स हैं आपके रिकवरी से रिलेटेड। तो ये था आपका डाटाबेस रिकवरी टेक्निक्स, डाटाबेस रिकवरी टेक्निक्स। अब इसके अंदर मैंने आपको हमारे डाटा ट्रांसफ़र के दौरान कैसे रिकवरी कर सकते हैं, हमारे किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई फेलियर अक्कर हो रहा है तो उससे कैसे रिकवरी कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके साथ ही मैंने आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी अवेलेबल करवाए हैं, रिकवरी फ्रॉम डिस्क क्रैश, कि आपकी डिस्क क्रैश हो जाती है तो उसको कैसे आप रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिमोट बैकअप सिस्टम में आपको स्टडी करने को मिलेगा कि आपका यदि कोई नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्टेड हो तो कैसे आप रिकवरी करेंगे, कैसे आप बैकअप प्रोवाइड करेंगे। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं डाटाबेस रिकवरी टेक्निक्स के अंदर ही, आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे काम होता है। इसका मैंने पूरा थ्योरी पार्ट आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। टोटल 76 स्लाइड्स हैं, ये आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे बुक आपकी जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, वैसे तो आपके DBMS के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था डिफरेंट बुक्स हैं आपके पास। इस पार्ट को स्टडी करने के लिए आपकी जो बुक रहती है वो कोर्थ वाली बुक अच्छी है, सॉरी यहाँ पे आप जो बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज आपकी जो बुक है, इट्स अगेन रेड कलर, सो मेनी प्रॉब्लम्स विद रेड। आपकी DBMS की जो बुक्स हैं उसमें मैं एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ, DBMS बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप पहली बार डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक जो रहेगी दैट इज रघु राम कृष्णन, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ये बहुत ही पुरानी बुक है ओल्ड DBMS की, जिसमें आपको जो लैंग्वेज दी गई है ना वो बहुत ही इजी लैंग्वेज दी गई है, ठीक है।
सेकेंड, इसके बाद आप स्टडी कर सकते हो आपकी नवाथे बुक, नवाथे, एंड थर्ड वन इज योर कॉर्थ, कॉर्थ। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ही स्टडी करना है देन यू कैन ऑल्सो फॉलो द बुक उलमान। ये सब ऑथर के नाम है, ये मैंने ऑथर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, ऑथर्स उलमान। ये चार बुक आप डाटाबेस के लिए फॉलो कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपने इन चारों बुक्स को स्टडी कर लिया DBMS में मास्टर हो जाएंगे। ओके, तो ये चारों बुक हैं आपकी जिनको आप स्टडी कर सकते हो ड्यूरिंग योर DBMS सब्जेक्ट प्रिपरेशन। रघु राम कृष्णन से मैं आपको सजेस्ट करूंगा द पार्ट इज ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल, एंड सेकेंड फर्स्ट टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन। ये पार्ट आप यहां से कवर कर सकते हो, दोनों चैप्टर आपके। सेकेंड नवाथे बुक से आप ER डायग्राम एंड रिलेशनल मॉडल टॉपिक कवर कीजिए, एंड रिलेशनल मॉडल। सेकेंड कोर्थ बुक से आपके जो एडवांस टॉपिक हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे, एडवांस टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स जो नेट से रिलेटेड है वो सब आप यहां पे स्टडी कर सकते हो। और SQL के लिए अगर आपको स्टडी करना है तो SQL में आपकी ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी हैं, ये वाली बुक रघुराम कृष्णन एंड नवाथे, दोनों बेस्ट बुक है आपकी। इसमें आपको SQL स्टार्टिंग से लेके एडवांस टॉपिक तक कवर की गई है। स्टार्टिंग में आप रघु राम कृष्णन से स्टार्ट करना आपकी SQL लैंग्वेज एंड रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। फिर यहाँ से स्टडी करने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हो तो फिर आप नवाथे बुक को फॉलो करना। तो ये रहेंगी आपकी बुक्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ और टॉपिक्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको प्लीज नोट करके रखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजिशन लॉसलेस, ओके, मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए रवि सिंह, देखिए हमारे पास जो डिकम्पोजिशन होता है, यू एबल टू, इट्स विजिबल टू यू? ओके, डिकम्पोजिशन जो होता है हमारा, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आप जो वीडियो लेक्चर मैंने DBMS में करवाया था उसको देखना। डिकम्पोजिशन में आपकी दो पार्ट होते हैं, वन इज लॉसलेस एंड लॉसी, एंड सेकेंड वन इज योर फंक्शनल डिपेंडेंसी डिकम्पोजिशन। ये आपका बात करता है, लॉसलेस एंड लॉसी आपका बात करता है टेबल के बारे में, ये आपका बात करेगा टेबल के बारे में, और ये आपकी बात करता है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हो अच्छे से तो इसके लिए आप फॉलो करना नवाथे बुक को, नवाथे बुक को, और इसके लिए आप फॉलो करना आपकी कोर्थ बुक को, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए आप कोर्थ बुक को फॉलो करना, यहाँ से भी स्टडी करना और यहाँ से भी, दोनों जगह से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एनी अदर डाउट, किसी को कोई और डाउट है किसी पॉइंट को लेके, किसी अनदर DBMS के किसी टॉपिक को लेके किसी को कोई डाउट है? ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।